एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमूला नमकीन, बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है जब सतमूला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जम कर खाया, सतमूला ने खूब पचाया। खाने से गलता है क्या? सतमूला। एक भिखारी आ गया, वो भी हरियाणा का था। बोला ला 100 रुपए निकाल। इन्होंने कहा 100 रुपए तो नहीं है। बोले तुला 50 रुपए दे। बोले 50 भी नहीं है। बोले तुला 20 रुपए काल। बोले 20 भी नहीं है। बोले 10 दे। इन्होंने कहा 10 भी नहीं है, मैं तो कवि हूं। तो भिखारी बोला पहले ही बता देता, स्टाफ का आदमी है। तो भाई की मार्केट वैल्यू काफी बढ़िया है आजकल। जो लोग जाने के क्रम में है वो इसलिए बिल्कुल ना जाए। ये काव्य समारोह सुरेंद्र जी तक पहुंचना है, और बीच में अब हम केवल 2 बचे हैं। थोड़ा सा दिनेश रघुवंशी जी सुनाएंगे, थोड़ा सा मैं, उसके बाद हम सुरेंद्र शर्मा जी को सुनेंगे। मैं पहले भाई श्री दिनेश रघुवंशी को आमंत्रित करना चाहता हूं। इस समय हिंदुस्तान के, मैंने बताया, ऐसे रचनाकार हैं जो प्रतिदिन देश की धड़कन को एक मुक्तक के रूप में लिखते हैं, 8 वर्षों से लगातार लिखते हैं, 1 दर्जन किताबें उनकी प्रकाशित हैं। मैं कहता हूं क्या है दिनेश भाई, कि मैं कवि हूं, मैं विरुदावलियां नहीं किसी की गाता हूं। भारत भू के गौरव को ही सदा गीत में ध्याता हूं। अपनी धरती की माटी का तिलक माथ पर है मेरे, कल का भारत कैसा होगा तुम्हें आज बतलाता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा उस बड़े रचनाकार को जिनकी गजलों को जगजीत सिंह साहब ने गाया, पंकज उदास जी ने जिनके शब्दों को अपने स्वर दिए। एक ऐसे बड़े रचनाकार, अनेक फिल्मों में, अनेक एल्बमों में उन्होंने अपनी रचनाएं, उनकी आप तक पहुंची हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण दीजिएगा भाई श्री दिनेश रघुवंशी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं इस गौरवशाली मंच को और आपको भी। बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अनिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अनिल अग्रवंशी को भी उसने इतनी ऊंचाई दी, लेकिन मैं अनिल जी आपको भी, और मुझे आज इस अवसर पर पूज्य पिताजी भी आपके याद आए। मुझे याद है 2002 या 3 में उन्होंने एक बार कवियों को दिल्ली में अनेक बार बुलाते थे, लेकिन उस दिन मुझे भी सम्मानित किया था। आज अचानक मुझे याद आए वो। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी तक ये यात्रा जानी है, थोड़ा सा मन हो, थोड़ा सा समय मिला है तो 10 मिनट देश और 10 मिनट परिवार को जी लें कविता में। एक बार देश धड़कता हो तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, आप थक गए हैं। और मैं पहली बार किसी अपनी संस्था के ऐसे प्रधान को देख रहा हूं जो न केवल कविताओं को गा रहे हैं बल्कि उन्हें जी भी रहे हैं। मैं दिल से बोल रहा हूं आपको,
गाने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन आत्मा से जीने वाला, एक बार संस्था के प्रधान जी का सम्मान कर दीजिए। हमारे बहुत बढ़िया बेटा माइक है, भगवत रुस्तगी जी हैं और लीला में पूरे 10 दिन तक निरंतर लोगों से संवाद बनाकर रखते हैं, ये बड़ी बात है अपने। जी इजाजत है प्रवीण भाई, पढ़ता हूँ। सुरेंद्र जी सुन लीजिएगा, हमेशा यहां से वहां तक के लोगों, यदि शब्द आपके दिल में कहीं दर्द कर जाए, कहीं थोड़ा सा आपको लगे, तो उन सैनिकों के लिए जैसा जिक्र भागवत जी ने किया था वहां तक पहुंचता हूं, मन दे देना सुनिएगा। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, वाह वाह वाह, हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों के, जिंदगी मिले कभी सम्मेलन में, कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों के, बड़े लोगों की औलादे तो कैंडल मार्च करती है, वाह बड़े लोगों की औलादे तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। थोड़ी तालियां कम है आपकी कविता के लिए, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं यहां से वहां तक के लोगों, और सच बोलूं तो समर्थन करना सुनिएगा। वाह वाह वाह, किसानों की तबाही पर मुनाफा खोरपन पे है। अनिल जी आज मन है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुक्तक है, ये आवागमन को विराम मिले मैं इस मुक्तक पर ये निवेदन करता हूं। किसानों की तबाही पर मुनाफा खोरपन पे है, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पन पे है। थोड़ा समर्थन फलीभूत करिए, कविताओं के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। किसानों की तबाही पर मुनाफा खोरपन पे है, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पन पे है। हुए आजाद हम जब से, हमारे देश में तब से सियासी लोग पन पे हैं या केवल चोर पन पे हैं। बहुत अच्छे। 4 मुसरे पढ़ना चाहता हूं और उधर उस मंच पर बैठे हुए एक आदमी का हाथ भी उठे तो मुझे लगेगा कविता पहुंची। सुनिए भाई, वाह। 22 वर्ष के नौजवान कैप्टन कुंडू प्राणों का बलिदान देते हैं इस देश के लिए और उनकी माँ NDTV पर कुछ बोलती हैं। 2 मुक्तों को मैं पढ़ना चाहता हूं, ये सैनिक क्या सोचते हैं। कारगिल द्रास में पिछले 5 वर्षों से भारतीय सेना बुलाती है कविता पढ़ने के लिए। यदि मैं शब्दों में आपको वहां तक पहुंचा दूं तो एक बार आसमान तक हाथ उठाकर दोनों हाथों से अपनी तालियां देना। सुनने के बाद 4 मिसरे सुनिएगा एक नौजवान की तरफ से। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, भाई कमाल है, वाह। मंच भी प्यार दे थोड़ा सा, वाह 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 वाह। बेटा इससे जरूरी कुछ और हो रहा है, इधर आ जा। कोई बात नहीं, शंभू को घर भेज दूंगा आपके, चिंता मत कर। मैं अब एक बार समर्थन दे दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं अच्छा नहीं लगता बस। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। भाई वाह, शामिल रहिएगा, आपसे निवेदन किया है मैंने, महसूस हो कि हिंदुस्तान वैसा ही धड़कता है। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी, तिरंगे है कसम तेरी, बहुत अच्छे, जोड़ना इस बार। है तन में सांस जब तक भी, तिरंगे है कसम तेरी,
तेरी लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। प्रणाम करता हूं भाई, बहुत अच्छे, वाह। लिपट कर आऊंगा तुझ में भाई दिनेश भाई, या फिर फहराऊंगा तुझको। वाह प्रवीण भाई, एक मौका और पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। बहुत दिनों के बाद प्रवीण अम्मा जी सामने बैठी दिखाई दी हैं, प्रणाम करता हूं मां। और अभी प्रवीण ने बताया कि 10 महीने बाद आज अब पहली बार किसी कार्यक्रम में आई हूं। एक बार अभी प्रवीण भाई यहां बैठे हैं, बहुत जिंदा दिली से कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके पूज्य पिता श्री ईश्वर हमसे चले गए, बहुत बड़े कवि थे। मैं चाहता हूं एक बार उनकी पावन स्मृति को अपनी तालियों से याद करिए। शब्दकार रह जाते हैं दुनिया से, और यदि अच्छी कविता हो तो आवागमन को मुक्ति दीजिए। मैं निवेदन करूंगा जब कविता पाठ हो उस दरमियान कोई जरूरी नहीं है, ये चीजें सुनिएगा। चार मिसरे सुनाता हूं और मां भेंट करता हूं आपको, सुनिएगा। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। बहुत अच्छा मुक्तक है, मन से पढ़ता हूं, मन से सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। बस मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फैज कराया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फैज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को, पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। भाई कमाल, एक बहुत महत्वपूर्ण मुक्तक पढ़ता हूं जिन लोगों के लिए उत्सव एक मेला है मात्र, एक हाजिरी लगानी मात्र। मैं उन्हें सौगंध देता हूं कि -40 डिग्री कल्पना करके जी लीजिए, 2 दिन पता चल जाएगी देश के लिए लड़ने वाले लोग कैसे होते हैं। वो दीवाने होते हैं। अभी 2 महीने पहले भारत मां के एक बड़े लाल परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के साथ रहने का मौका मिला 2 दिन। एक मुक्तक लिखा मैंने उस दिन, यहां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, और यदि आपको लगे कि एक सच बात बोली है तो समर्थन करना यहां से वहां तक के लोगों। बस ये निवेदन करता हूं, मंच भी प्यार दे, सुनना भाई, कमाल पढ़ रहे हो, सुनना प्रवीण भैया। और बहुत ही मन का मुक्तक है लेकिन समर्थन मिले, सुनिएगा। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। समर्थन मिले इस बार। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। शहादत को हमारी तुम कभी भी भूल मत जाना, तुम्हारे कल की खातिर हम गवा कर आज जाते हैं। भाई बहुत अच्छा। चार मिसरे पढ़ना चाहता हूं और थोड़ा जीवंतता मिले इस बातचीत को, विराम मिलते हुए यदि सच बोला हो। चार मिसरे सुनिए। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी। ये बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं, किसी भी पार्टी के बैठे हो लोग, लेकिन सच बोला जाए तो समर्थन करें। शाहदरा ने कविता के संस्कार इस दिल्ली को दिए, मैं इतना जानता हूं। बस सुनिएगा। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी। बहुत अच्छा, वाह। सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती वर्दी। आप सब शामिल रहना, इस बार निवेदन है आपसे।
वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती वर्दी। पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती क्यों कचरे में, लहू में भीगती वर्दी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं, मैं निवेदन करूंगा। पड़ी मिलती क्यों कचरे में, लहू में भीगती वर्दी। एक मुक्तक अच्छा पढ़ना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ सुन रहे हैं तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन करिए। आप देश में कुछ भी घटित होता है, एक मिनट की चर्चा करके बंद हो जाते हैं, हमें क्या लेना। घबराइए मत, आज की चुप्पी कल आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, तब आपको होश नहीं होगा, इसलिए बोलना चाहता हूं, सुनिएगा। लहू देकर निशानी वीरता की छोड़ कर लौटे भाई दिनेश भाई जिंदाबाद। लहू देकर निशानी वीरता की छोड़ कर लौटे, मिटे पर शत्रुओं का दंभ सारा तोड़ कर लौटे। अब अपने को भी खड़ा करता हूं और आपके सामने। मिटे पर शत्रुओं का दंभ सारा तोड़ कर लौटे, शहादत को सलामी देने हम घर से नहीं निकले, वो अपने प्राण दे करके तिरंगा ओढ़ कर लौटे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक मुक्तक पढ़ता हूं, एक आईपीएस अधिकारी एक राजनेता के जूतों के तस्मे बांधता है। या जिम्मेदारी के साथ बैठे वाले लोग, सच लिखने की हिम्मत बहुत थोड़े लोगों में रही, सच पढ़ने की बहुत कम हो गई और सच सुनने की बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन जिस मन से आप सुन रहे हैं, एक मुक्तक जो नजीर बन गया इस देश में, पढ़ना चाहता हूं, और कड़वा मुक्तक है लेकिन अच्छा लगे तो सुनने के बाद बताइएगा, जरूर सुनिएगा। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी, बहुत अच्छा मुक्तक है, प्यार मिले इस बार। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। हिम्मत और बढ़ाइए थोड़ी सी, सच है तो हिम्मत बढ़ाइए। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी। वाह 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 वाह, आभार भाई साहब, प्यार मिल रहा है। एक मुक्तक और पढ़ता हूं, एक 8 साल की बिटिया ने, इस देश की कर्नल सहरावत की बेटी ने एक संदेश दिया था और अनामिका ने जो गीत पढ़ा बिटिया ने हमारी, मैं उसे समर्पित करता हूं। एक अच्छा गीत उसने पढ़ा, एक अच्छा मुक्तक उसको भेंट करता हूं, सुनिएगा और मन से प्यार दीजिएगा इस बार, आप भी सुनिएगा। किया जा रहे आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, विजयदशमी के पावन पर्व पर जो सबसे अच्छा है, और वतन के लिए कोई भी इच्छा है दिल में तो मैं अपना सबसे अच्छा प्रस्तुत करता हूं। प्यार मिले इस बार, अनिल भैया सुनना। किया जा रहे आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से मुल्क की सूरत निखरती है, मगर कुर्बानियों से मुल्क की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी, हाथ उठे इस बार आपके, कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है।
पहनवर दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। भाई दिनेश भाई बहुत अच्छे। एक मुक्तक पढ़ता हूं और जेएनयू में मुझे गर्व है इस बात का प्रवीण, इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर मैं मुख्य अतिथि था और मैंने ये मुक्तक वहां पढ़ा, और ये मुक्तक यदि वहां पढ़ाकर मैं लोगों का प्यार लेकर आ सकता हूं तो तमाम देशभक्त लोग बैठे हैं, एक पंक्ति में कविता हो जाए तो उल्लास देना। एक मुक्तक पढ़ता हूं और अपने सैनिकों की शहादत को नमन करता हूं, सुनिएगा। अमर बलिदान की गाथा कन्हैया तू क्या समझेगा। कमजोर तालियां हैं आपकी, फिर याद दिलाना पड़ता है आपको कि अमर बलिदान की गाथा कन्हैया तू क्या समझेगा, कन्हैया तू क्या समझेगा। हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा तू क्या समझेगा। यदि जज्बा सही हो जाए तो बताना इस बार। अमर बलिदान की गाथा कन्हैया तू क्या समझेगा। हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा तू क्या समझेगा। लगाकर जान की बाजी वो करते देश की रक्षा, लहू देकर भी लहराते तिरंगा तू क्या समझेगा। वाह बहुत अच्छे, प्रणाम सर। वाह मैं धन्य हुआ प्रधान जी, धन्य हुआ। लहू देकर भी लहराते तिरंगा तू क्या समझेगा। और प्रवीण भाई मैं एक मुक्तक अपने इस केंद्रीय सरकार के सामने पढ़ना चाहता हूं, और इसलिए पढ़ना चाहता हूं, 4 साल पहले एक वादा किया था अनिल भैया, कवि सच कहेगा, जनता साथ दे, जनता की नुमाइंदगी करता है कवि, यदि मैं सच बोलूं तो 4 साल पहले किया एक वादा बड़े लोगों को याद दिला दूं, और आप उस दर्द को सच समझो तो समर्थन देना, वरना आप भी जैसा मन करे वैसा कीजिए, सुनिएगा। और मथुरा के उस शहीद को हेमराज को याद करता हूं, अचानक वो मुक्तक याद आ गया मुझे, सुनिएगा। सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का, किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का। समर्थन देना इस बार दोस्तों, किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का। बहुत अफसोस होता है कोई अब क्यों नहीं कहता, चलो चल कर के ले आए कटासर वीर सैनिक का। मैं प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। माँ वाले दो मुक्तक और, माँ वाले देखिए, ये देशभक्ति का रंग दिनेश रघुवंशी जी ने सुनाया, लेकिन उनकी पहचान रिश्तों के कवि के रूप में है, तो मैं चाहता हूं कि वो माँ वाले मुक्तक, ये कुछ बहुत इधर से, और सबका प्रणाम है, लेकिन मुझे लगता है पहले प्रवीण, पहले माँ भारती का दर्द भी गाना जरूरी है। यदि हम अपनी माँ और पिता की बात करें तो पहले देश हमारी सबसे बड़ी माँ है जी भैया। एक बार भारत के लिए, भारत माता के लिए दोनों हाथ उठाकर मन दीजिए। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम ठीक कर सको बेटा, आवाज खींच रहा है, बस कोई बात नहीं, सुन लीजिए। और आज इसलिए पढ़ना चाहता हूं कुछ नई बात, सुरेंद्र जी मंच पर बैठे हैं, प्रवीण एक बात कहने का मन है, आज सुन लेना। अभी वसंत विहार में एक छोटे से बच्चे को सिर्फ पिता ने इतना कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, और वो पिता मां और बहन का, आपने पढ़ा होगा एक सप्ताह की सूचना, कहीं भीतर से मर्माहित हो गए। यदि माता पिता भी औलाद को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। मुझे 27 साल हो गए दिल्ली की तिहाड़ जेल में, हर महीने एक कविता पाठ के लिए जाता हूं, हर महीने 27 साल से नागा, ये जानते हैं कभी सारे मंच के, और मैं आज तक एक पैसा नहीं लिया मैंने वहां से कविता पढ़ने का, लेकिन मुझे लगता है मैं एक भी अपराधी को या एक भी भटके हुए नौजवान को जिंदगी की राह में लेकर आया तो मेरा कवि होना सार्थक हो जाएगा, यह उद्देश्य है मेरा। बहुत अच्छे, मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं, सुनिएगा।
और एक बात कहता हूं कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। वाह 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 वाह। करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। वाह, थोड़ा सा उल्लास दीजिए यहां और बैठे हुए लोगों। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। आप जुड़ जाएंगे तो आनंद आएगा। जीवन परिभाषित कर दूंगा दो पंक्तियों में। उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। और जो सबसे अच्छा है वो दो पंक्ति सुन लीजिए। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। वाह वाह। कविता हो तो एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। जीवन की बड़ी कविता पढ़ने जा रहा हूं, जिसने पूरी दुनिया में यश दिया, 30-32 देशों की काव्य यात्राएं कराई। पढ़ देता हूं, सुनिएगा। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। वाह। नया पढ़ूंगा लेकिन शुरू यहां से इसलिए होना चाहता हूं कि परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं बहुत आते। अच्छे। जो लोग कविता के लिए बैठे निराश नहीं होंगे। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। सर अनिल जी और हमारे बड़े लोग, मुझे बेहद खुशी है आप यहां बैठे। आज आपके पिताजी का स्मरण हो आया, आपका पुत्र सामने बैठा है। जब तीन पीढ़ियां बैठी हो, संस्कार की बात हो, तो एक मुक्तक आपके हवाले से पढ़ता हूं। यहां जो लोग परिवार के साथ आए पहुंच जाएं, सुन लीजिए। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। वाह वाह। ये बहुत बड़ा मुक्तक था, पढ़ता हूं। और केवल इसलिए पढ़ना पड़ा ये मुक्तक कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। और इस रामलीला कमेटी के भव्य मंच पर जो माने सबसे अच्छा दिया है वो बोलता हूं। दो पंक्ति छोटी सी लेकिन एक बड़ी बात हो गई हो तो बताना जरूर कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। वाह। उठा दीजिए हाथ थोड़े, पढ़ता हूं। यदि अच्छा लगे तो आशीष दीजिएगा। मां के हवाले से कुछ नई बात, बिल्कुल नई बात पढ़ूंगा, सुनिएगा। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो है गम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूं कैसे कहूं किससे कहूं माहूं। बहुत अच्छे। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। थोड़ा आशीर्वाद बढ़ा दीजिए। आपकी तालियों से कविता बड़ी छोटी नहीं होगी, मुझे मालूम है मैं कहां लिखता हूं, लेकिन मुझे लगेगा मुझे ढंग से सुना गया। एक मुक्तक पढ़ता हूं, सुनिए। आपके भीतर से निकाल लूं इसने तो मुझे पता चलेगा इस बार। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा।
रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। वाह वाह वाह। खिलौने दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। भाई दिनेश भाई जिंदाबाद, प्रणाम करता हूं आपको। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। एक दिन में ना तो प्रवीण शुक्ल बना जाता है, ना अनिल भैया और ना सुरेंद्र शर्मा जी। मां के हवाले से एक नई बात कह उठती हो तो एक बार बता देना, सुनिएगा। किसी के पांव जमने में मशक्कत खूब होती है। बहुत अच्छा। एक अच्छा मुक्तक पढ़ता हूं, मन देना इस बार, आवागमन से मुक्ति मिले। बेटा सुनो सामने से। किसी के पांव जमने में मशक्कत खूब होती है। अंधेरों की उजालों से अदावत खूब होती है। सबक माँ का सिखाया ये हमेशा याद रखता हूं। वाह वाह। अगर हो साफ नियत तो ही बरकत। तालियों से बड़ा कर दीजिए। अगर हो साफ नियत तो ही बरकत खूब होती है। एक मुक्तक पढ़ता हूं, शंभु ने जो संघर्ष किया था अचानक याद आ गया। शंभु सुनना बेटा, आज तेरे को ही भेंट करता हूं। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है। मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। बहुत अच्छा मुक्तक है। भगवान कभी कभी ऐसी पंक्तियां सौंपता है। मैं वादा करता हूं आपको निराश नहीं करूंगा। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है। मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है। तो हंसने से पहले खूब रोता है। बहुत अच्छे। वाह वाह दिनेश भाई। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। वाह वाह। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। वाह वाह वाह। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। एक पहली बार मुक्तक पढ़ूंगा सुरेंद्र जी आपके सामने। अनामी का बेटा सुनना ये मुक्तक। भरे घर में वहां बिल्कुल अकेली रह गई अम्मा। बहुत अच्छा है। इस मुक्तक को जो दानिश्वर लोग विद्वान लोग बैठे हैं उनका प्यार जरूर मिले। यदि मैं रोज लिखता हूं तो कभी कभी कमाल भी हो जाता है। भगवान की कृपा है सर। सुनना। भरे घर में वहां बिल्कुल अकेली रह गई अम्मा। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। मेरे सपनों में आ कल रात सब कुछ कह गई अम्मा। इधर परदेश में दो बूंद छलकी थी इन आंखों से। इधर परदेश में दो बूंद
छलकी थी इन आंखों से वहां पर गांव में जैसे नदी बन बह गई अम्मा। मुझे और मोहब्बत की उम्मीद थी। मैं अपने जीवन के आखिरी दो मुक्तक पढ़ता हूं और दिल पर छाप छोड़ उठूं तो विदाई देना मुझे इस बार। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। बहुत अच्छा है। मैं अपने जीवन के सबसे कीमती दो मुक्तक पढ़ता हूं, विदाई लेता हूं बस, और अपने छोटे भाई को समर्पित करता हूं। बहुत हिम्मत और जिजीविषा से जिसने बड़ा कद। मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सिगरो माहट कहीं मिलती नहीं। और सबसे अच्छा चार पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। जितने बड़े लोग बैठे हैं, पिता जैसे लोग बैठे हैं, उन सब का आशीर्वाद मिले। केवल केवल एक मुक्तक पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। जिस मन से सुना आपने, ये मुक्तक क्यों लिखा प्रवीण? मैंने इसलिए लिखा, भरा है इस कदर सामान घर में, ढका हर एक रोशनदान घर में, हुए धुंधले सभी आपस के रिश्ते, लगे मन कैसे आलीशान घर में, और भटकना छोड़ देंगे पांव उसके, सुकून ढूंढे अगर इंसान घर में। पढ़ता हूं, सुन लीजिए और हृदय से आशीर्वाद देना, कोई जबरदस्ती नहीं, आपने बहुत आशीष दिया, सुनिएगा। एक मुक्तक अपना स्थान लेता हूं। प्रवीण स्वागत स्वागत। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था भाई कमाल ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। दिनेश भाई जिंदाबाद। मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। बस ये दो पंक्तियां, मैं अपनी जिंदगी में इससे बेहतर अभी तक कुछ नहीं लिख पाया। बाबूजी माँ जी भाभी सुनना बेटा, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी। मैं प्रणाम करता हूं आपको। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं यदि अच्छा का पाठ किया हो, प्रणाम करता हूं आपको दोस्त। ये कविता की ताकत है जो प्यार मिला। बहुत बहुत ये बहुत हृदय से धन्यवाद। समय की सीमा है सर, क्योंकि नहीं नहीं प्रवीण भाई को पढ़ना, फिर सर सुरेंद्र जी को भी पढ़ना है। मैं हाथ जोड़ता हूं, केवल एक तहत में बोल देता हूं। यदि आप कह रहे हैं कि जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं, बुरी नजरें भी तो करती हुई आघात रहती हैं, किसी की बद्दुआ कुछ भी तो मेरा कर नहीं सकती, मेरी माँ की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं। माँ चरणों में वंदन, आशीष मिला है आपने बहुत। पिछले 30 साल से जुड़ा हूं आपसे, और मैं आपके उस यशस्वी पुत्र को अपनी उन पंक्तियों से पहुंचाना चाहता हूं इस मंच पर। आज प्रवीण शुक्ल सादरे का कवि नहीं रहा, ये आपका बेटा पूरी दुनिया में किसी ना किसी शहर में आज होता है। छोटी सी आयु के अंदर बड़ा बहुत बड़ा मकाम उसने हासिल किया, लगभग सभी प्रमुख चैनलों पर मिलते हैं भैया। सतमोला की ये टीम छोटी सी हट जाए, मेहनत हम कर रहे हैं। देश में जो काम करता है उसे खाने के लिए नहीं मिलता, जो खा रहा है उसे काम कुछ नहीं है, यही दिक्कत है, यही विडंबना है। ताली बजा दीजिए, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। हास्य का व्यंग का एक बेजोड़ कवि सौंपता हूं, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है,
ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है, ये मेरी पंक्तियां थी जो अभी केवी शो में आई थी। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, अपने बेटे को भाई को मन से सुनिए, कमजोर तालियां हैं, दोनों हाथ उठाकर आसमान जैसा कर दीजिए। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमूला नमकीन, बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमूला खाओ कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमूला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जम कर खाया, सतमूला ने खूब पचाया। खाने से गलता है क्या? सतमूला। बहुत धन्यवाद। दिनेश भैया इधर आ जाओ, ये सोफा भी थोड़ी देर सांस ले लेगा। इधर आ जाओ आप। चार लोग खा पी रहे थे तो भाई उनके पीछे पड़ गया कि ये खा पी रहे हैं, ये बिना खाए पिए हो गया भैया ऐसा हमारा। तालियां थोड़ी सी बजा दो मेरे लिए भी। देखो अनिल जी आ गए हैं, मैं अनिल जी को बहुत बधाई देता हूं। और भगवत जी, ये सच है, ये मत बोल सोचिएगा कि आप लोग बैठे हैं, मैं इसलिए कहता हूं, ये सारे कवि मंच पर जितने बैठे हैं इस बात पर मोहर लगा सकते हैं, बालाजी रामलीला यदि दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला हो गई है तो आपका ये कवि सम्मेलन भी इस समय दिल्ली का सबसे बड़ा रामलीला का कवि सम्मेलन हो गया। क्या बात है, वाह। ये सच बता रहा हूं मैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये तमाम लोग जाते हैं बहुत कवि सम्मेलनों में और कई रामलीलाओं में होते हैं, लेकिन एक रस्म अदायगी होती है कि कमेटी के पास एक धन है, कभी बुला लो, एक रस्म अदायगी हो गई। 20 साल से 25 साल से कभी सम्मेलन हो रहा है तो इस साल भी कर देना है, लेकिन सतमौला की चौपाल पर जो धमाल कमाल और अलग अलग रंगों का गुलाल आपने अपने ऊपर लगवाया, कवियों ने महसूस किया, बहुत इसके लिए मैं आप सबको बहुत हृदय से, हृदय की असीम गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बढ़िया प्रवीण भाई। ओम प्रकाश जी बैठे हैं, तमाम लोग, चाय जारी रहे, बहुत जरूरी है सारे काम। मैं एक दो छोटी मोटी कविता आपको सुनाऊंगा। दिनेश भैया। हाँ भाई। अच्छा दिनेश भाई पिछले दिनों मुझे मिले, बोले प्रवीण आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं कि दिनेश तबीयत सब ठीक है भाई, वजन थोड़ा बढ़ गया तेरा, सुबह घूमना चालू कर, टहलना शुरू कर, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
तो भाई बोला सुबह 8 बजे से पहले आंख नहीं खुलती, रोज रात को 2-2 बजे तक कवि सम्मेलन में जागता हूं। मैंने कहा दिनेश भाई घूमना बहुत जरूरी है, इस काम के लिए घर में अलग से नौकर रखो, लेकिन यह काम रुकना नहीं चाहिए। भाई ने मेरे कहने से नौकर रखा, उसकी ड्यूटी लगा दी, कल से रोजाना सुबह 5 बजे जगाओगे, मैं घूमने जाऊंगा। अगले दिन उसकी आंख खुली, इसे हटा ले, मुझे डर लगना शुरू हो गया। अगले दिन उसकी आंख खुली तो देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। भाई ने नौकर को बुलाकर डांटा, भाई तूने मुझे जगाया नहीं, मुझे घूमने जाना था। नौकर बोला साहब मैंने तो आपको जगाया था, आप तो घूम कर भी वापिस आ गए। आनंद लेना दोस्तों। दिनेश भाई ने कहा भाई कब जगाया था, कब घूम कर वापिस आया मैं? तो नौकर बोला साहब सुबह ठीक 5 बजे जगाया था, आपने आंख खोली, एक करवट इधर ली, दूसरी करवट उधर ली, फिर आप सो गए। मैंने सोचा बड़े आदमी है, इससे ज्यादा क्या टहलते होंगे। तो तालियां थोड़ी सी ज्यादा बजा दो। सुरेंद्र जी तक हमें पहुंचना है। तय ये हुआ था कि 12 बजे तक कवि सम्मेलन खत्म करेंगे, पर 12 हम नहीं बजा दिए कवि सम्मेलन के। यूनिवर्सिटी, मैं एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूं, उसके बाद हम सुरेंद्र जी को भरपूर सुनना चाहते हैं। हाँ जी। मैंने बताया भाई ने बहुत सुनाई माँ पर, माँ ये है, माँ ये है, माँ ये है, माँ बहुत कुछ है। मैं भी माँ पर ही सुनाऊंगा आपको, बस अंतर इतना है कि मैं अपने बच्चों की माँ पर सुनाऊंगा। भाई मेरे बच्चों की माँ भी आखिर माई है किसी की, क्यों बहन जी? बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए भी इस देश में पति पत्नी के रिश्ते अद्भुत हैं। मैं अभी पिछले दिनों हरियाणा गया था, मैंने देखा वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। अब ये पति की समझ में बाद में आया, सिक्का कहीं भी गिरा मामला उसी का साफ होना। मैं तो सच बता रहा हूं दोस्तों, अपनी श्रीमती को लेकर घुमाने गया आगरा, ताजमहल दिखाया। मैंने कहा देखो ये शानदार ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगली छूटते ही बोली आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया है, अब तो देरी तुम्हारी तरफ से हो रही है। तुम अपना काम शुरू करो, मैं अपना काम शुरू करता। एक बार तालियां बजा दें। एक कविता सुनाता हूं आपको जिसका शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। इस देश में साहब पति पत्नी के अद्भुत संबंध है, और ये तो बराबर में कड़कड़ूमा कोर्ट है। भगवत जी सच्ची घटना है यहां की। वो एक मुकदमा आ गया कोर्ट में तलाक का। जज बोला भी यदि तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक हो ही जाएगा, जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता, 4 होते तो बांट देता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। तालियां कम बजाई हैं आपने और गलत जगह पर बजा दी। यह अनामी का कह रही है ये हिम्मत तो तब है कि जब भाभी सामने बैठी है। इसकी भाभी मेरी मत समझ जाना। मैं सच बता रहा हूं, अगले साल और दिक्कत पैदा हो गई। समर्थन अब करें आप। हाँ। जुड़वा पैदा हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो दोनों ने फिर 3 साल के लिए मामला पोस्टपोन किया। तलाक तब लिया जब हिसाब बराबर हो गया। एक बिल्कुल सहज हास्य की कविता सुन लीजिए जी सर, क्योंकि दिनेश भाई ने सबने बहुत मन से सुनाया। हाँ। मैं सुनाता हूं। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार, उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी,
मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी, कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कन्फर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी दो है, बर्थ एक है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। क्या बात है, कितनी खुश है, तालियां कम बजाई हैं आपने, तालियां भरपूर बजनी चाहिए, मेरी हिम्मत पर बजनी चाहिए। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली, तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है। एक बैग तीन अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची, होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे इसलिए कमरा दसवीं मंजिल पर दिया है, चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ दसवीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊंगी। क्या बात है, हिम्मत है प्रवीण भाई तेरी। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। तालियां अगली पंक्ति पर पूरे सदन की चाहूंगा। देखिए मैं किसी को रोकने टोकने वाला कभी नहीं हूं, मैं तो मोहब्बत से आग्रह करूंगा अच्छी लगे तो बजा देना वरना तो क्या। इतना सुनते ही डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले बधाई। बधाई, मैंने कहा भैया किस बात की बधाई, दो दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। क्या बात है दोस्तों, जिनकी तालियां उधार रह गई हो अगली दो पंक्तियों पर पूरे सदन का आशीर्वाद मिलना चाहिए। गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। क्या बात है, वाह 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 वाह। हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली, सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं है दोस्तों, तमाम जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति में। क्या बात, जिम्मेदार मेरे बड़े भाई निर्दोष जी उधर बैठे हैं, जग्गा जी, मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है सतमौला परिवार सामने। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, तो ये भारत वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। अंतिम चार पंक्तियां इस कविता की निवेदित करता हूं, लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन साथ फेरे लेने के बाद सात जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। क्या बात, सात जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं, सात जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। एक छोटी सी कविता सुनाकर फिर सुरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। चाय बांटते रहो, चाय वाले को कुछ नहीं कहूंगा, क्या पता कब प्रधानमंत्री बन जाए और बाद में मुझे ही जेटली बना दे अपना, तो केटली भी मुझे ही थामनी पड़ेगी। अच्छा मैं सच बताऊं आपको, हास्य दरअसल ऑब्जर्वेशन का विषय है।
किसी चीज को ध्यान से देखो तो वहां से बात पैदा हो जाती है। मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में पटना गया, एक सज्जन मुझे टकरा गए, बोले प्रवीण भाई आपका पुराना प्रशंसक हूं, कई साल से आपको सुनता हूं। तो मैंने ऐसे ही पूछा उससे, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई। मैंने जिंदगी में पहली बार धनिया लक्ष्मण सुना। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, धनिया लक्ष्मण जी ये धनिया लक्ष्मण क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला, जब हल्दी राम हो सकता है। क्या बात है, तालियों पर जीएसटी नहीं लगा अभी, ये बराबर में ही है सामने। बोला जब हल्दी राम हो सकता है, मैंने कहा फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता। क्या बात है, क्यों नहीं हो सकता? भगवत जी सच्ची घटना है ये, यहां लक्ष्मी नगर की। शाहदरा से एक बस चलती थी वो आईटीओ तक, केंद्रीय टर्मिनल 320 नंबर। वो कंडक्टर ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, बोले थानेदार साहब, कंडक्टर ने महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, बोले थानेदार साहब कंडक्टर ने बिना किसी कारण के मेरे थप्पड़ मार दिया। जब वो वापस बस लौट कर आई तो थानेदार ने लक्ष्मी नगर में बस को रुकवाया, कंडक्टर को नीचे उतारा, बोले भाई ये बता तूने इस महिला के थप्पड़ क्यों मारा था? अनिल जी बात का मजा लेना, हाँ बहुत जोरदार बात है, इस महिला के थप्पड़ क्यों मारा था? कंडक्टर बोला जी वो जरा सी बात थी, मैंने इससे कहा टिकट ले ले। इसने पर्स निकाला, पर्स में से एक चाबी निकाली, उससे साथ में लाया हुआ संदूक खोला, उसमें से एक अटैची निकाली, अटैची में से एक सूटकेस निकाला, उसमें से एक थैला निकाला, थैले में से एक संदूकची निकाली, उसमें से पर्स निकाला, पर्स में से ₹5 निकाले और टिकट ले लिया। इंस्पेक्टर बोला कहानी मत सुना, किस्सा मत सुना, ये बता थप्पड़ क्यों मारा था? साहब वही तो बता रहा हूं। फिर इसने टिकट को पर्स में रखा, पर्स को संदूकची में रखा, उसे थैले में रखा, थैले को सूटकेस में रखा, उसे अटैची में रखा, उसे संदूक में रखा, उसका ताला लगा दिया और चाबी अपने पर्स में रख ली। अबे किस्सा मत सुना, ये पता थप्पड़ क्यों मारा? थानेदार का पारा ऊपर जा, थप्पड़ क्यों? साहब वही तो बता रहा हूं। बस अगले स्टैंड पर पहुंच गई, पीछे से टिकट चेकर की टीम चढ़ गई। एक ने इससे कहा बहन जी टिकट दिखाओ, इसने फिर पर्स निकाला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, तालियां बजा दो आप सारे मिलके, वाह वाह। इसने फिर पर्स निकाला, पर्स में से चाबी निकाली, उससे संदूक, संदूक में से अटैची, अटैची में से थैला, थैले में से संदूकची, संदूकची में से पर्स, पर्स में से टिकट। इतना सुनते ही थानेदार ने मारा खींच के बड़ा। तालियां सुनने के बाद सबकी बजनी चाहिए। थप्पड़ लगते ही कंडक्टर बोला साहब आपने तो सुनकर मार दिया, मैंने तो देख के मारा था। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्रवीण भाई। तो स्थिति यह है साहब, बहुत एक रचना विशेष आपको सुनाता हूं, मेरी बड़ी लोकप्रिय कविता है। जैसे अनामिका की शहीद वाली कविता से उसे पहचान मिली, दिनेश भाई को मां के मुक्तकों से पहचान मिली, मेरी अपनी एक पहचान की कविता। मैं सच बताता हूं दोस्तों, एक बार मेरा मन यह है कि अनिल मित्तल जी जैसा विलक्षण व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यह मैं सच बताता हूं, वो जो काम करते हैं उसे परफेक्शन के साथ करते हैं। आदमी को बारीकी से देखो, एक बहुत छोटे से घर में पैदा हुए थे, छोटे से किराए के मकान से चले और आज उन्होंने सतमोला के नाम से आपके दिलों पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा एम्पायर बनाया, उद्योग बहुत लोग बनाते हैं, क्या जरूरत है इस पागलपन की। 6 महीने पहले मेरे पीछे लग गए, कवियों की टीम बुक करो, मुझे अमरीका जाना है बिटिया के पास, 1.5 महीने बाद लौट कर आऊंगा, क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए। और जब मैं इस मंच पर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वो सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भगवत जी को बुलाओ, प्रधान जी आने चाहिए, सोफे सही क्रम पर लगने चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आपके पास एक समर्पित मन नहीं है तो धन से आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, उसके लिए मन आवश्यक है। और एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं इसलिए कहता हूं कि सतमौला कवियों की चौपाल, हजारों कवि मंच पर आए, मैं अपनी एक प्रतिनिधि कविता सुना रहा हूं आपको जी। एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया, मैं किसी कवि से शादी करूंगी। उसके पिता ने समझाया कवि से शादी मत कर। लड़की बोली शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी ने कहा भी यदि तुझे मरना ही है तो तू करके ही मर। उन्होंने देश के अनेक कवि बुलाए, कवि ये सोचकर चले गए कि कोई कवि सम्मेलन वगैरह होगा। वहां जाकर उन्होंने देखा एक शादी का कार्यक्रम,
लड़की के पिता ने कवियों को जबरदस्ती एक पंक्ति में खड़ा कर दिया, लड़की के हाथ में माला दे दी, उससे कहा कि तू जिस कवि के गले में माला डाल देगी उसके साथ तेरा विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। एक स्वयंवर की स्थिति है, कई बार शादी विवाह की स्थिति से भी हास्य पैदा हो जाता है। मुझे याद आता वो एक लड़के लड़की के फेरे चल रहे थे, पंडित जी ने लड़के से कहा बेटे इन फेरों में कन्या आगे की तरफ चलेगी, तुम कन्या के पीछे पीछे चलोगे। लड़की दो कदम चलेगी, लड़का उससे आगे निकल आया। पंडित जी ने फिर समझाया बेटे कन्या को आगे चलना है, तुम्हें कन्या के पीछे पीछे चलना है। लड़की दो कदम चलेगी, लड़का फिर उससे आगे निकल आया। तो पंडित जी ने लड़के के पिताजी से कहा इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वे बोले जी दिमाग तो ठीक ठाक है, लेकिन ये ब्लू लाइन बस का ड्राइवर है, इसे ओवरटेकिंग की आदत है। तालियां थोड़ी सी बजा दें, मैं सुनाता हूं। हाँ जी, स्वागत। एक लड़की माला लेकर वो अलग अलग कवियों के सामने गई, उन कवियों ने क्या कहा उस लड़की से, शुद्ध हास्य रस की कविता है, पहली बार मैं सतमौला की चौपाल में इसे सुना रहा हूं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्वर्गीय काका हाथरसी जी आए, उनकी हर कविता में काकी आती थी, तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा। अच्छा लगे तो हर कवि पर आपकी मोहब्बत प्यार आपका आशीर्वाद चाहूंगा, तमाम मेरे बहुत बड़े भाई, तालियां जोरदार बजा दिए प्रवीण भाई के लिए। सुनिएगा कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल, अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा, अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। वाह वाह, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। उनके बाद में ओम प्रकाश आदित्य जी, अनेक बार वो आए हमारे शाहदरा क्षेत्र में। ओम प्रकाश जी खूब सुना आप लोगों ने, ये माइक भी इतना ऊंचा करना पड़ता था, लंबी कदकाठी के कवि मेरे गुरु थे आदित्य जी। उनके सामने लड़की माला लेकर आई, तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा। थोड़ी देर हाथ खोल कर बैठिए, तालियों की ताल मिला देंगे तो मैं और मस्ती से सुनाऊंगा। सुनिए जी, स्वागत। कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। क्या बात है, बजा दो ना मिलकर तालियां। बहुत अच्छे प्रवीण भाई। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट व्रत मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। क्या अगली पंक्ति आशीर्वाद, क्या बात है। ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी। क्या बात है, वाह वाह। ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी। ऐसा कहकर वो भी बच गए। उनके बाद में अशोक चक्रधर जी, जो कविता सुनने वाले लोग हैं, देखिए हिमगिरी जैसा रूप ये आदित्य जी कह सकते थे। अशोक जी के सामने लड़की आई, तो देखिए अशोक चक्रधर जी ने क्या कहा। हाँ भाई। और किस प्रकार कहा कि आइए आइए आइए, मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन हैं, लोनी हैं, वलकल वसन में हैं, माया मृग छोनी हैं, प्यारी सी मूरत हैं, लेकिन हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत। क्या बात है, वाह 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 प्रवीण भाई, बहुत अच्छे। श्री लालू जी की जरूरत है, हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार, सबको घर की बातें बताते हैं, पूरे पत्नी धर्मा हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, समझ गए ना भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। लड़की देखिए जब सुरेंद्र जी के सामने आई, तो उन्होंने
अशोक चक्रधर जी को संबोधित करते हुए क्या कहा और किस प्रकार कहा जी, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। रे चक्रधर, तुम्हारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है? चांद पे जो बाल बचे हैं इन्हें दुश्मन की ताई क्यों घूर रिया है? रे थारा महरा तो दोस्त दोस्त का भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो म्हारी भी माता है। तालियां एक एक व्यक्ति की बजनी चाहिए। ऐसा कहकर सुरेंद्र जी भी बच गए। उनके बाद संतोषानंद जी, बड़े लोकप्रिय गीतकार, सतमाला चौपाल के बहुत सारे टेलीविजन कवि सम्मेलनों में वो आए, फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। देखिए उन्होंने अपनी मस्ती में लड़की से क्या कहा जी। बैठ जा प्यारे लाल वरना नीचे भी कूद सकता हूं मैं, ऐसा वो बोलते हैं। कि दुल्हन तू तो है, बस दो कवि सुना रहा हूं मैं, सुनाने में एनर्जी लगा दूं आप सुनने में लगा देना जी। ओ दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर के लिए, एक भी हाथ खामोश ना रहे, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर के लिए, ओ मेरा दिल है खाली। ओ मेरा दिल है खाली बस तेरी तस्वीर के लिए, वाह वाह दुल्हन तू तो है मेरी तकदीर, क्या बात है परवीन भाई, वाह 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 वाह। ऐसा कहकर वो भी बच गए। और अंतिम कवि डॉक्टर हरिओम पमार, पिछले वर्ष आए थे वो इस कवि सम्मेलन में। हाँ, उन्होंने शादी नहीं की। कई बार दिनेश भाई और मैं ये बात करते हैं कि वो शादी इसलिए नहीं की, क्यों नहीं की, ये प्रश्न यूएनओ में भी उठाया गया, पमार जी ने शादी क्यों नहीं की। मैं कल्पना के माध्यम से उत्तर देता हूं, सुनिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। कि डोली दुल्हन का हारों में, डोली दुल्हन कहारों में, चंदा सूरज तारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, भाषण कविता नारों में, टीवी में अखबारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की। वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, मेरी कविता पर नहीं कहने की हिम्मत पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। अरे वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला ना पढ़ने दूंगा, मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, एक भी व्यक्ति के हाथ खामोश ना रहे, यदि मैंने देश के धड़कन की राग को गा दिया। डोली दुल्हन का हारों में, चंदा सूरज तारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, भाषण कविता नारों में, टीवी में अखबारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की। वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला ना पढ़ने दूंगा, मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, मुझे देश की खातिर जीना मरना है, ये मेरा कर्तव्य है कोई त्याग नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं, क्या कहने प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। तालियां एक बार जोरदार बजा दो भाई साहब, 6-7 कवियों की पेमेंट मिलेगी आज आपको। नहीं लीजिए दोस्तों, मुझे क्रम आगे बढ़ाना है और मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं जिनको सुनने के लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं।
ये सच है दोस्तों कि यदि फिल्म इंडस्ट्री को यह गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन हैं, क्रिकेट को यह गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं, गायन के क्षेत्र के लोगों को यह गर्व है कि उनके पास कहीं भीमसेन जोशी होते हैं, तो मैं कहता हूं हमारे हिंदी मंच को भी गर्व है कि हमारे पास विश्व का सर्वाधिक चहेता चेहरा सुरेंद्र शर्मा। क्या बात है, क्या कहने। मेरे दोस्त यहां बैठे हैं, मैं उनसे अनेक बार बात करता हूं, मैं सच बताता हूं, जब आप सुरेंद्र जी को नजदीक से जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुस्कुराहट बांटने वाले के हृदय में कितनी तरह की संवेदनाएं हैं। हुल्लड़ मुरादाबादी ने लिखा कि मशखरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, जख्म सबको मत दिखाओ तुम नुमाइश की तरह, ये अकेले में सही है गुनगुनाने के लिए। क्या बात है, वाह वाह। मैं चाहूंगा कि एक भी व्यक्ति जो यहां उपस्थित है, सुरेंद्र शर्मा जी पद्मश्री हैं, लेकिन बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि उन्होंने करोड़ों रोते हुए चेहरों को हंसाया। अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर चार पंक्तियां लिखी थीं कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या बात मैं है, चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कीजिए पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी को। कैमरे एक बार कैमरे वालों से आग्रह है, ये रिकॉर्डिंग वो बंद कर लें, सुरेंद्र जी रिकॉर्डिंग कराते नहीं है, टीवी चैनल्स के साथ उनका अनुबंध है और कई सारे दूसरे अनुबंध हैं। मैंने वो बात ऐसी बताते हैं, मैंने बताया आपको, मैंने पिछले दिनों मिले, मैंने कहा चाची ये बताओ कि पति पत्नी जीवन में कब सुखी रह सकते हैं, एक लाइन में निपटा दिया उन्होंने मुझे, एक ही कंडीशन है, जब पति गूंगा हो पत्नी बहरी हो। तालियां जोरदार बजा दो। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, आए ऋतु राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती, हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमूला नमकीन, बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमूला खाओ कुछ भी पचाओ।